शिक्षा में ई लर्निंग एजुकेशन एवं यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर प्रदेश की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक सत्यम मंडल, योगेंद्र प्रताप सिंह के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने शिक्षा में ई लर्निंग की चर्चा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि अथवा विद्यालय खुलने की अवधि तक ऑनलाइन ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस शुरू की गई है और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ किया जाए। प्रमुख सचिव ने बताया कि यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सिर्फ ग्रीन जोन में होगा, ऑरेंज और रेड जोन में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अगले आदेश के बाद किया जाएगा। जो आपने प्रयास किया है, इतनी शानदार बिल्डिंग करी है, ये व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास की, आपके दूरदर्शन की, इसकी चर्चा हर जगह हो रही है कि इसको सीरियसली मॉनिटर करें। मुझे भी लिंक चाहिए कि मैं कौन से ग्रुप्स को एंटर कर सकूं। ये या तो इसको राजेश, आप जितने भी ग्रुप्स हैं सबके एडमिन का नंबर और ग्रुप्स आपको एक किसी क्लाउड पे देना पड़ेगा अलग से, एक डिफरेंट ईमेल का जो आप गूगल ड्राइव बनाएंगे उसमें आप दे सकते हैं, तो एक बिल्कुल इस चीज का अलग हो जाएगा। एंड देन इट शुड बी ऑन आवर चॉइस कि हम कौन से एंटर करें, उसके सामने आपके कितने बच्चे जुड़े हैं, कितना है, देन वी विल एंटर एट आवर ओन चॉइस। और इसको सर्कुलेट करना पड़ेगा ऑन रैंडम बेसिस, सबको एंटर करना पड़ेगा। तभी हो पाएगा। एंड वी नीड टू नो कि एडमिनिस्ट्रेटर उसका ध्यान है कौन है, जो जैसे हम लोग ने पिछले सप्ताह डिस्कस किया था कि जब तक इसका डेटाबेस नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसको आपको डेटाबेस बनाना है, इसका फॉर्मेट डायरेक्टर सर निकाल करके करना पड़ेगा, इसको हमको एंटर करना है, तभी हम देख पाएंगे। एक एक टीआरएस का मैं कम से कम एक नहीं तो दो देखूंगी एट अ रैंडम बेसिस। सर इसका एक प्रारूप हम भेज देंगे, तो सर टीआरएस आरमान से एक अनुरोध है कि प्रारूप हम भेजेंगे जिसमें कि आपको हर एक व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन का नंबर यानी कि टीचर का नंबर आपको देना पड़ेगा जिसने बनाया है, और उसका नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और कौन से स्कूल का है, जिससे कि हम उसको आगे रैंडमली इसको चेक किया जा सके कि आपके लिए भी लाभदायक होगा, हमारे लिए भी लाभदायक होगा। मैम इसके अलावा एक जनपद ने अच्छी पहल करी, मैं थोड़ा सा संज्ञान में लाना चाह रहा था। उन्होंने क्या किया है कि लोकल चैनल तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है जो कि सबके पास केबल नेटवर्क के थ्रू जाता है, वो अपनी क्लासेस बनाते हैं और DM साहब से रिक्वेस्ट करके उसने स्लॉट ले रखा है और सभी अपनी जो क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं उनको प्रसारित करते हैं। जैसे कि हमारा स्वयंवर बाद चैनल पूरे UP के लिए है, पूरे कंट्री के लिए है, ये केवल अपने जनपद पे अपने वो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, इनको ज़्यादा समय भी इसमें मिल रहा है, तो ऐसा प्रयोग हर जनपद कर सकता है क्योंकि हर जगह लोकल नेटवर्क चैनल का रहता है, तो वो भी अगर छोटे मोटे कुछ इंटरेक्शन बच्चों से करना चाहें दे कैन ऑल्सो। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जो आपका चैनल है उसको मेन चैनल, बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे अगर आपका विभाग का एक चैनल चला, ये चला, दीक्षा चला, स्वयं प्रभा चला, तो वो क्या देखेंगे देवल में साथ। नॉट ओनली दैट, कंफ्यूजन हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे हैव टू फॉलो, तो ये लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उनको क्या फॉलो करना है। मुजफ्फरनगर को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बलिया को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने जब हम लोग ने शुरू नहीं किया था तब उन्होंने ये चैनल शुरू कर दिया था। अब मैं ये चाहूंगी कि जो आपका चैनल है वो आप यथावत रखें, पर उसमें जो स्वयं प्रभा का आपका पढ़ाया जाता है उसको रिपीट करें, जैसे एक रूपता रहे, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन रहे। इसी तरह जो हम लोग ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, विभाग का शुरू किया है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये आप लोग सब देखिए। हम लोग ने यूट्यूब पे एक नया चैनल शुरू किया है और अभी इस पे कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पर जैसे जैसे दूरदर्शन का कंटेंट बढ़ेगा और हमारे पास कंटेंट की अवेलेबिलिटी, हाई क्वालिटी कंटेंट की अवेलेबिलिटी होगी, और ये हाई क्वालिटी से मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोग NCERT से एक एक जो भी हमारा वीडियो बन रहा है NCERT से वेरीफाई करा रहे हैं, जो जब NCERT उसको पास कर देता है तब हम इसको पोस्ट करते हैं, तो जो फाइनल बॉडी है उससे हम लोग ने एक बार उनके एक्सपर्ट से भी चेक करा लिया, उसके बाद ही पोस्ट कर रहे हैं। तो ये कहने का इसका आशय ये नहीं है कि जो आप बना रहे हैं वो ठीक नहीं है, परंतु जो यहाँ से सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है वो हर जगह से वेरीफाइड और
तक नहीं समझ में आ रहा था जब तक हमने देखा नहीं कि कमियां किस तरीके की निकल आती हैं किसी भी वीडियो में वहाँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो ही बैठ करके देख रहे हैं, तो कोई भी फैक्चुअल गलती होती है, कोई भी बताने की गलती होती है, वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो ये हम लोग को एडवांटेज है। तो किस प्रकार से हम लोग एकरूपता ला सकते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस पर विचार भी करें और जो आपके सुझाव हैं वो मुझे आप लोग दें। इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जो मैं आज रेज करना चाह रही थी वो ये है कि आपने सुना होगा बेसिक शिक्षा विभाग ने एक प्रारंभ किया है मिशन प्रेरणा। अब हम लोग ने जो ये ई लर्निंग और ऑनलाइन कंटेंट का एक मिशन प्रारंभ किया है उसके लिए क्या नाम होना चाहिए, मैं आप लोग से सुझाव आमंत्रित कर रही हूँ कि आप लोग ये बताएं कि क्या नाम रहना चाहिए और देखिए कौन सबसे अच्छा नाम इसको देता है। इसके लिए टाइम हम लोग निर्धारित कर लेते हैं, आप डायरेक्टर साहब को कल शाम तक 24 घंटे आज जैसे कल शाम 5 बजे तक या नहीं कल शाम को आप ऐसा करिए कि 3 बजे तक, कल दोपहर 3 बजे तक, क्योंकि 4 बजे हम लोग की मीटिंग होती है, तो 4 बजे हम लोग इस पर फिर विचार कर सकते हैं कि कौन सा नाम हम लोग चुनेंगे और फिर कल आपको फिर लकी विनर बताएंगे किसका नाम चुना गया। तो आप लोग सबसे ये अनुरोध है कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन और सोचिए कि इसके लिए जो हम लोग के मिशन को डिफाइन करता है, जो हमको सुनने से जो नाम एक पॉजिटिविटी लाएगा, जो नाम हमको इंस्पायर करेगा, हम ही को नहीं हर टीचर को हर बच्चे को इंस्पायर करे, इस प्रकार का कोई नाम नाम हो सकता है। दो शब्द हो सकते हैं, एक शब्द ही जरूरी नहीं, दो तीन शब्द भी हो सकते हैं। अच्छा तो एक शब्द लगता है पर अगर कोई चीज़ इस तरीके का है तो दो शब्द भी हो सकते हैं। सोच करके प्लीज कल शाम को 3 बजे तक बताइए, एक से ज़्यादा भी सुझाव दे सकते हैं और लोगों से भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई और आपके यहाँ है जो इस तरह का क्रिएटिव अप्रोच रखता है उससे भी आप पूछ सकते हैं। दूरदर्शन के विषय में मैं ये फीडबैक जानना चाहूँगी डायरेक्टर साहब से, सभी अधिकारी हमारे आज साथ हैं और जिलों से भी मंडल स्तर से भी, कि स्वयं प्रभा जो चल रहा है चैलेंज इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। आपने देखा होगा कि कल मैंने ग्रुप पे एक बहराइच का वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि वो कह रहे थे कि एक ही दिन में 40,000 बच्चों ने दूरदर्शन को वॉच किया। ये वाला जो वीडियो का क्लिप था ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा, उनके द्वारा भी देखा गया और उनको बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है। अब क्योंकि बहराइच से ये फीडबैक मेरे पास आया था तो ये बहुत ही मतलब ये दिल छूने वाला फीडबैक था, जो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आया है, जो थोड़ा पिछड़े ही कैटेगरी में आता है वहाँ से आया है, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को खुशी हुई इस बात पर।